तो स्वागत है मेरे चैनल रोबस बाज़ार पे आपका। आज हम बात करेंगे रैलिस इंडिया स्टॉक के ऊपर। स्मॉल कैप कंपनी है, एग्रो फर्टिलाइज़र और एग्रो केमिकल की काफ़ी दिग्गज कंपनी है। 4300 के करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। 52 वीक हाई की बात करें तो 324 और 52 वीक लो 182। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 266 के आसपास। तो स्टॉक में हमारी क्या रणनीति बनेगी वो भी हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे आपको देखना है, जब 221 का एक ब्रेकआउट मिलता है स्टॉक में तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। इसका मेन कारण ये है कि स्टॉक ने अगस्त मंथ में पूरा साइडवेज में निकाल दिया, तो स्टॉक में एक रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे हमें कोई भी पोजीशन अभी करंट में नहीं बनानी जब तक 231 का लेवल नहीं टूटता। जैसे ही 231 का लेवल टूटेगा इस स्टॉक में काफ़ी सारे बायर्स एंटर होंगे और स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट आपको 280 तक के देखने मिल सकते हैं 1 से 2 महीने के टाइम पीरियड में। और अगर स्टॉक में डाउनसाइड की बात की जाए तो 221 का एक मेजर सपोर्ट बना है। अगर 221 टूटता है तो स्टॉक काफ़ी नीचे आके गिर सकता है, ऑलमोस्ट 211 रुपये के आसपास तक आ सकता है। तो स्टॉक को आपको थोड़ा सा अभी लीव करना चाहिए। अगर मंडे मार्केट में आपको अगर एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 231 के ऊपर, तुरंत एंटर हो सकते हैं स्टॉक में, काफ़ी अच्छी संभावना देखने मिल सकती है। दूसरा लॉजिक ये भी कहता है कि एलिगेटर इंडिकेटर के बिल्कुल टॉप पे ये ट्रेड कर रहा है, जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगा इस स्टॉक में हमें कोई एंट्री नहीं मिलेगी। अगर स्टॉक यहीं पे सस्टेन करते हुए और नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे शायद से हम गलत हो सकते हैं। अगर आपने गलती से यहाँ पे एंट्री ले लिया और स्टॉक साइडवेज में होते हुए एकदम से डाउनसाइड मोमेंटम बना दिया तो यहाँ पर आपका पैसा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सतर्क होना है कि जब तक 231 का लेवल सही तरीके से नहीं टूटता, 231 के ऊपर एक बुलिश कैंडल नहीं बनती, एक ग्रीन कैंडल नहीं क्रिएट हो जाती, तब तक स्टॉक में आपको कोई भी एंट्री नहीं बनानी। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया था। थैंक यू सो मच।